हेलो गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस वेगा वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रिव्यू अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो अपने डल डैमेज हेयर से अगर आपके हेयर में बाउंस नहीं है फिर आपके न्यू हेयर नहीं आ पा रहे हैं या फिर yeah. हेयर so, और करने वाली हुआ, वो शैम्पू सारे सारे बना हुआ है तो so, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिव्यू विच इज फ्रॉम ब्रांड न्यूड सो गाइस रिसेंटली न्यूड ने अपने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं तो so, वो जो रेंज है ऑनियन और फेनोग्रेट सीड की रेंज है तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ फर्स्ट है ऑयल है सेकंड सेकेंड शैम्पू है जो ऑयल है अनियन विद फैनोग्रेट ऑयल है एंड जो शैम्पू है अनियन एंड फैनोग्रेट शैम्पू है ओके okay, तो इन दोनों इंग्रेडिएंट के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं आपको आपको पता है अनियन और फेनोग्रिक कितना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए हमारे हेल्थ बहुत ज़्यादा बाउंसी बनाता है हेल्दी बनाता है न्यू फॉलिकल्स आते हैं हमारे ओके okay, सो हम बात कर लेते हैं ऑयल के बारे में सो यू कैन सी न्यूड ऑनियन हेयर ऑयल विथ फैनोग्रिक इसके अंदर फैनोग्रिक है सो यू कैन सी द पैकेजिंग पहले हम पैकेजिंग दिखा देती हूँ आपको ताकि ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है प्लस आपको यहाँ पर इसमें सारा यूज़ किस तरह से करना है ना और सब चीज़ें यहाँ पर आपको मैंशन है इसके अंदर कोई भी ऐसे लाइक हार्श केमिकल्स नहीं है यू कैन सी पहले इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो इसका जो प्राइज़ है टू नाइन्टी इसका प्राइज़ है इसकी जो तो शेल्फ लाइफ है ट्वेंटी ट्वेंटी वन से लेकर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक की इसकी शेल्फ लाइफ है प्लस इसकी जो क्वान्टिटी है वन फिफ्टी एम एल इसकी क्वान्टिटी है तो यू कैन सी इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है तो काफी अच्छी पैकेजिंग है इसकी सो यू कैन सी इस तरह की काफी अच्छी सी पैकेजिंग में आती है ये आपको प्लास्टिक की बॉटल में आपको मिलता है प्लस आपको इस तरह इस तरह का कैप आपको इसमें ये मिलता है और यू कैन सी मैं अच्छे से इसके प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं इसके सारी तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है अनियन एंड फेनोग्रिक जो फेनोग्रिक होता है और अनियन होता है इसकी इतने ज़्यादा बेनिफिट है हमारे हेयर के लिए हमारे हेयर में ये बाउंस ऐड करता है न्यू फॉलिकल्स आते हैं हमारे हेयर बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाती है बाउंस प्लस इसके जो इंग्रीडियंट्स हैं इसमें आपको विटामिन ए के एंड सी जो हेल्प करता है आपके हेयर को बाउंस ही करने के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए सो मैंने इसे यूज़ किया हुआ है आप देख सकते हो मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा केमिकल ट्रीटेड है तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और अगर आप नॉर्मली अगर कोई अनियन और फैन्योग सीड का अगर आप ऑयल बनाते हो तो उसमें क्या होता है आपको जस्ट बिल्कुल लाइक प्योर टाइप अगर आप देख रहे हो नेचुरल देख रहे हो सोस तो मैं आपको इसे हाईली सजेस्ट करूँगी बिकॉज इसके अंदर कोई भी ऐसे केमिकल नहीं है आप इसे यूज़ करोगे आपको लगेगा कि आपने इसे खुद ही मेड किया बिकॉज ये इतना ज़्यादा लाइक प्योर है इतना इतना ज़्यादा अच्छा है तो इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं उसके अंदर आपको अनियन सीड मिल जाएगा फ़ेनोग्रिक सीड मिल जाएगा कड़ी पता मिल जाएगा इसमें आपको ऑलिव ऑयल हो गया आमंड ऑयल हो गया सनफ्लावर ऑयल हो गया विटामिन ई हो गया इतनी अच्छी इसके इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर कोई भी ऐसे हार्श केमिकल नहीं है सल्फेट नहीं है पैराबिन नहीं है ऑल्सो ये क्रेडिटी फ्री है सो so, मैं आपको इसे इसको आपको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ जस्ट आपको अपने पाम में से लेना है देन आपको अच्छे से रब करना है थोड़े से अपने हीट हैंड से उसे हीट देनी है देन अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है अच्छे से आपको स्कैल्प पे अप्लाई करके मसाज करनी है अपने लेंथ पे भी इसे अप्लाई करना है देन उसके बाद अगर आप फिफ्टीन मिनट्स एंड ट्वेंटी मिनट तक उसे रख सकते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा अगर आप ओवरनाइट भी रख दोगे तो और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे अगर आप नॉर्मल ऑनियन ऑयल देखते हो ना ऑनियन सिर्फ हमारे हेयर को इतना ज़्यादा बूस्ट अप नहीं कर पाएगा जो उसके अंदर फेनोक सीड मिला हुआ वो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा डबल डोज आपको मिल जाएगी एक तरह से और आपके जो हेयर है काफ़ी ज़्यादा बाउंसी और काफ़ी ज़्यादा शाइनी और स्ट्रॉग हो जाएंगे ओके तो ये तो इसके ऑयल की बात है अब हम इसके शैम्पू के बारे में बात कर लेते हैं सो यू कैन सी ये इसका शैम्पू है न्यूड ऑनियन शैम्पू फैनोग्रिक सेम ये शैम्पू है सेम इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर अब इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं ये भी इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आपको मिलता है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है यू कैन सी और ये इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट मिलता है यू कैन सी इसमें भी आपको ये प्लास्टिक का बॉटल मिलता है प्लस आपको इस तरह से कन्वीनियंट आपको आप इसे इस तरह से पंप कर सकते हो पंप फॉर्म में आपको मिलता है इस तरह की पंप पैकेजिंग में आता है जिससे आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता है ओके okay. आपके बारे में बात कर ले तो जो इसका प्राइस है फोर सेवेंटी इसका प्राइस है इसकी जो तो शेल्फ लाइफ है ट्वेंटी ट्वेंटी वन से लेकर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक के आपको दो साल की शेल्फ लाइफ मिल जाती है इसकी प्लस इस पे जो क्वान्टिटी है थ्री हंड्रेड एम एल इसकी क्वान्टिटी है तो इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको ऑनियन ऑयल मिल जाएगा एलोवेरा मिल जाएगा विटामिन ए हो गया इसके अंदर इसमें आपको फैनोग्रेट सीड मिल जाएगा काफ़ी अच्छे है इंग्रेडिएंट्स हैं इसके जो कि हेल्प करते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग एन एंड बाउंसी हेयर प्रोवाइड करते हैं बिकॉज सारे इंग्रीडियंट्स जो हैं सारे नेचुरल सोर्स के इंग्रीडियंट्स हैं कोई भी इसके अंदर लाइक केमिकल नहीं है टॉक्सिन नहीं है इसके अंदर सल्फेट नहीं है पैराबेन नहीं है उल्टी फ्री है ये सो इसके अंदर आपको विटामिन ए के सी मिल जाएगा इसके अंदर फॉलिक एसिड है जो आपके न्यू हेयर ग्रोथ होते हैं प्लस ये रिड्यूस करता है जो जो आपके हेयर डैमेज हो जाते हैं ड्राई हो जाते हैं उसको भी काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है ये हेयर में शाइन बाउंस ऐड करता है आपके हेयर स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफ़ी अच्छी फास्ट ग्रोथ होती है आपकी अगर आप इसे वन से टू मंथ अप्लाई करते हो थ्री मंथ अप्लाई करते हो कंटिन्यू वे में तो आपको वीक में दो से तीन बार आपको अप्लाई करना है और आपको मंथली तीन से चार मंथ आपको इसे अप्लाई करते हो तो आपको खुद ही इसके बेनिफिट देखेंगे विजिबल बेनिफिट्स आपको इसमें दिखेंगे और इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है तो आपको उससे भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी हाउ टू यूज़ आपको आपको शैम्पू को यूज़ किस तरह से करना है जैसे आपको थ्री से फोर पंप आपको अपने हैंड पे लेना है रब करना है अगर आपको उसको डाइल्यूट करना है वाटर के साथ तो आप डाइल्यूट भी कर सकते हो अदरवाइज़ आपको स्कैल्प पे से अच्छे से रब करते हुए फिंगर टिप से अप्लाई करना है हमको फिंगर टिप से कुछ मिस्टेक होती है जिससे हमारे खुद के हेयर ड्राई डैमेज हो जाते हैं हम उसे रब करने लग जाते हैं या फिर बहुत बुरी तरह से रब नहीं करना चाहिए हमें अपने हेयर को सो so डैट हमारे हेयर कभी भी डैमेज नहीं होंगे उसमें स्प्लेटेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी ऑयलिंग करनी चाहिए हमें टाइम टू टाइम हमें शैम्पू करना चाहिए वीक में टू टाइम तो हमें शैम्पू करना ही चाहिए तो अगर आप इस तरह से करते तो आपके हो तो आपकी काफी अच्छी ग्रोथ होगी प्लस आपको आपके हेयर में कुछ भी डैमेज और ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी सो so या गाइज अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी आप लिंक के थ्रू जाके बाय कर सकते हो न्यूट के वेबसाइट से बाय कर सकते हो वहाँ पे आपको डील एंड डिस्काउंट मिल जाएगा या आपको अमेजन फ्लिपकार्ट भी मिल जाएगा सो so, यहाँ yeah अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या हेल्पफुल लगी हो सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल सो मैं विशेष मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में डिल एंड बाय